हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मेघ्री, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम के लिविंग लाइफ में। तो चलिए आज देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। देखिए किचन में कितने अच्छे से रोटी की तरह कुछ बने हुए हैं। तो ये देखिए मोमो है, कितने अच्छे से दिख रहे हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये चटनी है, मोमो तैयार है। देखिए दो तरह की चटनी है, लाल और ग्रीन है। ये तो तिरंगा की तरह हो गया, वाइट। देखिए वाइट ग्रीन और आपको तिरंगा रंग मिल गया है, केसरिया। तो चलिए ये तो हो गई देश की बात, अब कुछ पेट भी खाली है, पेट भरने के लिए कुछ करते हैं। तो देखिए मेरे चैनल का नाम एम के लिविंग लाइफ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इधर बर्तन ली हूँ और आटा, इसमें मैदा का यूज करूँगी, आटा का नहीं। तो मैदा को छान लेते हैं और इसमें गर्म पानी, थोड़ा सा सुसुम गर्म पानी कर लीजिए, हल्का गुनगुना। एक बर्तन ले लेती हूँ और उसमें चलिए दो कटोरी में मैदा डाल लेती हूँ। मैदे को ठीक से साफ कर लिए छान के। और मैदे में दो कटोरी लेने के बाद इसमें थोड़ी सी नमक, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच जैसा, और आधा चम्मच जैसा तेल या रिफाइन, कुछ भी, दोनों में कोई भी डाल दें। और इसको ठेकुआ वगैरह की तरह हाथ से मसल नहीं रही हूँ। चलिए तेल डालते हैं और देखिए अब इसमें तेल के ऊपर ही गर्म पानी डालूँगी तो ये तेल फैल जाएगा। चलिए गर्म पानी डाल देते हैं, अब ये तेल खुद से फैल जाएगा। जैसे गर्म गर्म जो है ना, तो वह तेल जमेगा एक जगह नहीं, तो ये फैल जाएगा खुद ही। तो इसके मिला लेते हैं पानी, धीरे धीरे पानी डाल के आटा मिलाते हैं। और ये मोमो जो है दार्जिलिंग के तरह, जो मैं बताने जा रही हूँ, यह मैं दार्जिलिंग में खाई हूँ ऐसे ही। तो इसलिए देखिए यहाँ आटा सॉफ्ट मिलाना है, ज़्यादा टाइट आटा नहीं चाहिए, रोटी की तरह ही चाहिए। ये तो खुद मैदा है, ये खुद ही कितना आप गीला कीजिएगा सिकुड़ने वाला, सिकुड़ जाएगा। तो रोटी की तरह ही आटा मिला एकदम सॉफ्ट, ऐसे करके पानी डाल डाल के गर्म पानी ही डालें ताकि वो मोमो जो है कि फूलेगा, सिकुड़ा नहीं रहेगा, वो फूला की तरह फूला फूला लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। और नमक दे दिए हैं तो, और पानी, गर्म पानी देने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है पूरे अच्छी तरह से। पूरी तरह से मिला ली हूँ और एक बर्तन ढक दी हूँ, इसमें बर्तन या कपड़ा कुछ भी ढक दें। इधर सब्जी ले ली हूँ, पत्ता गोभी ले ली हूँ और इसको धो ली हूँ ठीक से ऊपर से। इसको बाद में नहीं धोना है, जितने अच्छे तरह से धोएं पहले धो लें। धोने के बाद इसको पतला पतला या काट दें, या तो फिर आप ये कद्दूकस कर लें, या तो फिर आप चॉपर में चॉप कर दें, लेकिन कटना चाहिए बहुत पतला। ऐसे ही काटती हूँ, चलिए इसे चाकू से ही मैं काट लेती हूँ। अगर कद्दूकस करते हैं तो और अच्छा है, कि वो तो इतना ज़्यादा करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए चाकू से इसको पतला पतला काट लेती हूँ, छोटी छोटी। ऐसे करके सारे मैंने काट ली हूँ और इसमें और एक बार चाकू चला दूँगी कि ताकि ठीक से ये कट जाए पूरा पतला। तो इधर कढ़ाई गर्म होने दे दिए हैं, कढ़ाई में दो चम्मच जैसा तेल डाल रही हूँ। उधर सब्जी कट गया है तो इधर चम्मच में दो चम्मच जैसा तेल डाली चटनी की तैयार करने के लिए। और मैं लाल मिर्च जो है उसको 3-4 घंटे फूलने दे दी थी पानी में, 3-4 घंटे पानी को पानी में फुला दें उसको, ताकि वो ठीक से फूल जाए और चटनी बने तो वो उसका कलर खिले। उसके बाद तेल में डाल दी हूँ उसको, 5-6 टमाटर डाल दी हूँ, लाल टमाटर जो देसी टमाटर आते हैं उसको ही डालें, ये ज़्यादा खट्टा रहता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है। और इसको डाल के थोड़ी सी लहसुन डाल दी हूँ, 50 ग्राम जैसे लहसुन डाल दी हूँ, और उसमें नमक डाल दी हूँ। तो अब टमाटर का छिलका ये धीरे धीरे निकलने लगेगा, तो देखिए छिलका है ऊपर से निकल गया, मैं निकाल ली हूँ कढ़ाई से इस छिलके को, उसको ढक दी हूँ थोड़ा देर के लिए और बस सॉफ्ट हो गया। 2 मिनट उसको पकाए और सॉफ्ट हो गया, अब उसको निकाल दिए। चटनी को अब पीस लेते हैं इधर, पहले अब कढ़ाई गर्म है, इसी में अब सब्जी जो काटे हुए हैं उसको डाल देंगे। एक प्याज मैंने तेल डाली हूँ 1 चम्मच, और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। देखिए प्याज थोड़ा सा घुमा लिए, चलाने के बाद इसको सब्जी को डाल दिए।
पत्ता गोभी को पतला पतला जितना काटें, अगर इसमें कद्दूकस करते हैं तो उसको ना पकाएं। इधर चटनी मेरा तैयार हो गया देखिए, और उधर सब्जी छोड़ देते हैं। अब इधर हरी चटनी बनाते हैं। हरी चटनी में मैंने धनिया लिए हूँ, पुदीना है तो पुदीना डाल दें, और ना तो फिर शिमला मिर्च डाल रही हूँ एक टुकड़ा जैसा, और लहसुन थोड़ी सी 6-7 कली लहसुन डाल रही हूँ, और आधा चम्मच जैसा नमक, नमक स्वाद अनुसार डालें जितना आप धनिया लिए हैं। और ये सारे को, और अदरक की टुकड़ा छोटा सा है, और ये सबको पीस लेते हैं। इधर देखिए सब्जी भी मेरा बन गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। सब्जी को ठंडा होगा तब तक हम उसको स्टफिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो सब्जी निकाल ली है। इधर आटा मेरा ठीक से फूल गया होगा, अब चलिए इसको बेलते हैं। पतला पतला बेलना है पूरा, और थोड़ा सा आज डेकोरेट करने के लिए मन किया तो चलिए डेकोरेट करते हैं। देखिए ये गुलाब का कुछ कली है, पंखुड़ी है, और ये दे मेथी पत्ता जो आता है वो है। ये सारे को डाल के फिर से मैं बेल दी ताकि वो खुद से चिपक जाए, और थोड़ी सी डिजाइन करना है तो कांटे वाले चम्मच से उसको कर दी। 3-4 तरह के ऐसे ही डिजाइन मैंने बना ली है, और देखिए ये डिजाइन बन गया है। अब ये सारे को एक जगह रख दूंगी, और चलिए ऐसे करके मैं फिर दूसरा गोल वाला भी बना लेती हूँ। ऐसे सब्जी स्टिपिंग करते हैं उसमें डाल के, फिर इधर कढ़ाई गर्म होने दे दिए हैं। अच्छा, जो उसमें पानी डाल दिए हैं जो जिसमें आप बना सकते हैं, ये वाला सब्जी वाला ये है तो ठीक है, और नहीं तो आपके पास अगर है स्टफिंग करने के लिए दूसरा बर्तन तो वो भी, नहीं तो ये सब्जी धोने वाले में इसको तेल लगा के पूरे अच्छी तरह से इसको डाल दी। और दूसरा और एक ही है कि इडली जिसमें पकाते हैं, तो ऐसे ही इडली वाला मैं डाल दे रही हूँ। 2-3 करके इसमें डाल दूँगी, और इसमें कुकर में रख देंगे, और धीमे धीमे आँच में इसको पकाएंगे। देखिए इसमें भी पक गया, इसमें बहुत जल्दी से और बहुत अच्छा से पक गया कुकर में। देखिए कुकर वाला, इसमें हल्का सा तेल लगा देते हैं तो ये चिपकेगा नहीं। देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं, पूरा सॉफ्ट हो गया है। उसमें सीटी मीडियम आँच में दम रखिएगा, सीटी लगेगा नहीं, खाली सीटी बहुत अच्छा से पकेगा वो अंदर अंदर। और देखिए 2 तरह के चटनी के साथ मोमो तैयार हैं। देखिए ये चटनी भी कितने अच्छे लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, टमाटर मिर्च और लहसुन है। और ये देखिए मोमो कितने सॉफ्ट है ना। चलिए अब खाते हैं। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।